डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आया हूँ 50 मार्क का जो 12th का इंग्लिश है उसके सब्जेक्टिव सीरीज का 9वां पार्ट। यानी आज हम लोग 9वीं वीडियोज देखेंगे। इसके पहले हम लोग 8 वीडियोज देख चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड की लगभग 95% जो सिलेबस था 50 नंबर वाले इंग्लिश मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। बस एक दो वीडियोज और आएंगे। तो अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर से जाके आप क्लिक करके सारी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा ये तीसरा स्केच कैरेक्टर है, हम लोग कर रहे हैं डेविड कॉपरफील्ड और दो स्केच कैरेक्टर देख चुके हैं। तो आज का दो स्केच कैरेक्टर है वो हमारा है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड का स्केच कैरेक्टर आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो स्केच कैरेक्टर डेविड का, अगर हिंदी में बोलें तो डेविड कॉपरफील्ड का चरित्र चित्रण। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिएगा मैं एक एक शब्द को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। बस देखिए पहला लाइन कहता है डेविड कॉपरफील्ड इज द हीरो ऑफ दिस नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। देखिए गाइस, जो डेविड कॉपरफील्ड आपका जो कैरेक्टर है, ये जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा नोवेल जो लिखा गया है, यानी जो उपन्यास है, उस उपन्यास का ये जो आपका ये डेविड कॉपरफील्ड पढ़ना है उसका ये खुद हीरो है। और इन्हीं के नाम पर इस नोवेल का भी नाम रखा गया है। तो डेविड कॉपरफील्ड खुद हीरो है, ये बात को सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा द विक्टोरियन नोवेलिस्ट, और ये जो चार्ल्स डिकेंस जो थे आपके विक्टोरियन युग के, यानी विक्टोरियन एज के नोवेलिस्ट थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा। कहता है डेविड वाज बॉर्न आफ्टर द डेट ऑफ हिज फादर, यानी जो डेविड का जो जन्म हुआ था उनके पिता के मृत्यु के बाद हुआ था। मैंने आपको डेविड के जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो करवा रहा था उसमें मैंने बताया था कि इसे पोस्थोमस चाइल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा चाइल्ड होता है जो पिता के मृत्यु के बाद ये जन्म लिए थे, तो इस कारण से इसे बोल सकते हैं। आगे का लाइन देखिएगा, कहता है हिज मदर, इनकी जो माँ थी क्लारा, लव्ड डेविड हार्ट एंड सोल, मतलब इनकी जो माँ थी क्लारा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इनको। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये फ्रेज तो आपको आना ही आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट एंड सोल, इसका मतलब होता है दिलो जान से। बहुत ज़्यादा अगर प्यार होता है किसी पर्सन से तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग ये फ्रेजेज का यूज करते हैं, तो ये भी याद रखना। आगे का सेंटेंस देखो, कहता है हिज नर्स लुक्ड आफ्टर हीम, और उनका जो नर्स था वो आपको पता है पिगोटी नाम था उनका, तो वो इनको देखभाल करती रहती थी, किनको, डेविड कॉपरफील्ड को। गाइज आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए ये फ्रेज का मतलब भी बताना चाहूँगा। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लाइक हर सन, मतलब अपने बेटे जैसा व्यवहार करती थी, डेविड को अपने बेटे जैसा प्यार करती थी, देखभाल करती थी, कौन, क्लारा पिगोटी जो इनकी नर्स थी। आगे का सेंटेंस देखिएगा, आगे का सेंटेंस कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर डेविड मदर्स मैरिड अ पर्सन नेम्ड मर्डरस्टोन। गाइस ध्यान देना, यहाँ पे हुआ क्या कि जब इनके पिता जो इनके असली पिता थे उनकी जब मौत हो जाती है तो इनकी जो माँ होती है ना वो शादी कर लेती है एक दूसरे पर्सन से, उनका नाम है मर्डरस्टोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनका सतेला पिता कौन था, तो आपको याद रखना है मर्डरस्टोन था, ठीक है। आगे का सेंटेंस देखिए, कहता है डेविड वाज ऑफन बीटेन एंड इल ट्रीटेड बाई हिज स्टेप फादर मर्डरस्टोन। अब होता ये था कि डेविड को ये पसंद नहीं करता था, कौन, उनके जो सतेला पिता थे मिस्टर मर्डरस्टोन, वो पसंद नहीं करते थे, और वो बार बार ना डेविड को पीटते रहता था, गाली गलौज करते रहता था, दैट मीन्स उसको बीटेन, देखिए यहाँ पे लिखा डेविड वाज ऑफन बीटेन, मतलब डेविड को हमेशा पीटा जाता था, और इल ट्रीटेड का मतलब बुरा व्यवहार किया जाता था उनके सौतेले पिटे मर्डरस्टोन
आपके द्वारा। क्लियर गाइज, आगे का सेंटेंस देखिए। एक बार क्या होता है, वही सेंटेंस आगे दिया हुआ है, वंस ही बीट मर्डरस्टोन। एक बार क्या होता है कि डेविड को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो जब गुस्सा क्यों आ जाता है वो वाला भी सुन लीजिए यहाँ पे। वो जो डेविड का जो सतेला पिता होता है मिस्टर मर्डरस्टोन, वो डेविड की माँ को प्यार करते रहता है, तो डेविड को गुस्सा आ जाता है। तो जब डेविड को गुस्सा आता है तो डेविड उसको डांटी काट लेता है। आप लोग को पता होगा अपने बिहार में दांत काटते हैं ना, वो जब गुस्सा आता है तो उसको वो काटता है, यानी दांत से काटता है किसको, मिस्टर मर्डरस्टोन को। अब मिस्टर मर्डरस्टोन को बहुत गुस्सा आ जाता है तो कहता है डेविड बाज बीटेन, और फिर बहुत गुस्सा आता है तो उसको दांती तो काट लिया ना, तो उसको पिटैया हो जाता है। एंड लॉक इनसाइड हिज रूम और फाइव डेज, फॉर फाइव डेज यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है कि उसको बहुत पिटैया होता है, उसके बाद उसको रूम में 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। किसको, डेविड को। कौन बंद करता है, उसके सौतेला जो पिता है। आगे का सेंटेंस देखिए। अब इसके बाद भी उसे चैन नहीं आता है उसके सतेले पिता को, तो क्या करता है देखिए ज़रा। कहता है ही बाज सेंड टू स्लेम हाउस, तो उसको भेज दिया जाता है स्लेम हाउस में। स्लेम हाउस क्यों भेज दिया जाता है, फॉर अ बोर्डिंग स्कूल। मतलब बोर्डिंग स्कूल आपको पता होगा जहाँ पे हॉस्टल भी होता है, मतलब स्कूल में ही रहो, स्कूल में ही पढ़ो, वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब बात यहाँ पे भी डेविड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है मेरे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है देख लीजिए। कहता है भेयर प्रिंसिपल वाज आल्सो अनकाइंड टू हिम, अब बेचारा वहाँ भी डेविड जाता है तो वहाँ भी प्रिंसिपल अनकाइंड मिलता है। कहने का मतलब प्रिंसिपल भी इसके साथ बहुत गड़बड़ सरबर करता है, बुरा व्यवहार करता है इसके साथ। अब कुछ दिन पढ़ने के बाद होता ये है, कहता है आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद हिज मदर ऑल्सो डाइड, उसकी माँ भी मर जाती है, जो माँ बच रही थी वो भी मर जाती है। अब होता ये है देखिए, कहता है ही फेल्ट, वह महसूस करता है एज इफ मानो ही वेयर लेफ्ट एलोन इन दिस वर्ल्ड, कि अब वो दुनिया में केवल वही रह गया है, बाकी सब उसके लोग चले गए, उनके पिता भी चले गए और उनकी माँ भी चली गई। ही वॉज फोर्स्ड टू डू द जॉब ऑफ ए बोतल क्लीनर, अब होता क्या है कि जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आता है, डेविड को इतनी सारी समस्याएं आती है, तो उनको मजबूर कर दिया जाता है, मजबूर हो जाते हैं बेचारे और एक जॉब करते हैं। एक छोटी सी वाइन की फैक्ट्री होती है, दारू की फैक्ट्री, आप लोग को पता होगा बिहार में तो बंद है, समझ रहे होगे ना, तो बोतल क्लीनर, वहीं पर बोतल साफ़ सुथरा करने के लिए, मतलब घटिया टाइप का इसे जॉब दे दिया जाता है। आगे का सेंटेंस देखिए, कहता है ही वॉज अनेबल टू वर्क अंडर ऑरिएबल कंडीशन, और ये काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, इनको मन ही नहीं लगता इतना ख़राब स्थिति में काम करना। एंड फाइनली रन अवे टू हिज आंट बेट्सी इन डोवर, और क्या होता है कि कुछ दिन काम करते हैं उसके बाद वहाँ से भाग पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं अपनी आंटी के पास। इनकी जो चाची थी, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बेस्टी जो चाची थी और वो डोवर में रहती थी, डोवर यहाँ पर शहर का नाम है याद रखना, तो डोवर में ये भाग जाते हैं यानी अपनी चाची के पास चले जाते हैं। अब होता ये है वहाँ पर हिज आंट अरेंज्ड फॉर हिज एजुकेशन, अब छोटी जो एजुकेशन कुछ रह जाती है डेविड का, वहाँ पे इसके चाची कुछ इन्हें पढ़ाती लिखाती है, मतलब वहाँ पे एजुकेशन का प्रबंध कर देती है। क्लियर, अब कुछ समय के बाद होता क्या है, जब ये डेविड बड़े होते हैं थोड़े बहुत, तो होता क्या है वो देख लीजिए। कहता है ही फेल इन लव विथ एजनी बट मैरिड डोरा, अब होता क्या है कि इनको प्यार हो जाता है एजनी से, लेकिन ये शादी करते हैं डोरा से, ये याद रखना। वो डाइड वेरी सून, और डोरा बहुत जल्दी मर जाती है, ये भी याद रखना। डोरा से तो इन्होंने शादी कर लिया, बट डोरा की मृत्यु हो जाती है बहुत ही जल्दी। अब जब मृत्यु हो जाती है तो देखिए क्या होता है, लेटर ही मैरिड एजनी, अब उसके बाद वो फिर एजनी से शादी कर लेते हैं जब डोरा मर जाती है, तो एज प्रोमिस टू हिज वाइफ डोरा, और डोरा से ऐसा इन्होंने मतलब प्रोमिस भी किया था कि तुम मर जाओगी तो मैं इससे शादी कर लूँगा, तुम टेंशन, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम, ऐसे कुछ कन्वर्सेशन हुआ था इनके साथ। आगे का सेंटेंस देखिएगा, कहता डेविड ऑल्सो ऑलवेज, सॉरी यहाँ पर ऑलवेज लिखा हुआ, डेविड ऑलवेज रिमेंड ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे डेविड के कैरेक्टर की बात बारे में बातचीत हमें करना था, तो डेविड को हमने सुन लिया, डेविड के बारे में समझ लिया कि डेविड के क्या परेशानियाँ थी, डेविड किनके साथ मिले, डैट मीन्स इनके कैरेक्टर को थोड़ा पता चल गया। तो अब हम अंत में हम लिख देंगे ये भी कि डेविड कुल मिलाकर ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे और हार्ड वर्किंग भी थे, कठिन परिश्रम भी करते थे एंड सिंसर भी थे, और कोई भी चीज़ के लिए पंचुअल भी थे, डैट मीन्स ईमानदार थे, निर्भीक थे, वफादार थे।
उसके बाद लास्ट का सेंटेंस मैंने लिख रखा, आई लाइक हिम मोस्ट फॉर ऑल दीज क्वालिटीज, और मैं इनके इतने सारे क्वालिटीज को लेकर मैं बहुत ज़्यादा इस कैरेक्टर को पसंद करता हूँ। डेविड कॉपरफील्ड में जो इनका कैरेक्टर है बहुत अच्छा है। और एक बात का ख्याल रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे ना, बहुत कम शब्द के पूछे जाएंगे कैरेक्टर, क्योंकि बहुत कम नंबर के होंगे, तो ज़रा शब्द सीमा का ध्यान रखना, नहीं तो नंबर काट लिए जाएंगे। तो मेन मेन पॉइंट लिखना, शॉर्टकट लिखना, मतलब कम लाइन लिखना, 200 शब्द 150 शब्द में लिखना है, लेकिन अच्छा लिखना, ठीक है। चलो बढ़ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट का स्केच कैरेक्टर है ये है मिस्टर मिकाबर का। मिस्टर मिकाबर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं और शायद आपके एग्जाम में भी आ जाए। पक्का मैं बता दे रहा हूँ, जितने सारे मैं कैरेक्टर करवा रहा हूँ इस चैनल पे, उसमें से एक पक्का रहेगा, क्योंकि इस बार ऑप्शन ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया नहीं तो बता दे रहा हूँ यहाँ पे, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे ना, उसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं इस बार। ऑप्शन मतलब समझ में आ रहा, अथवा वाला क्वेश्चन जो आता था ना, और वाला मतलब ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, उसमें से चूज करके आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है। तो और अच्छी बात है, ऑप्शन ज़्यादा है उसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है, जो ज़्यादा जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में आप लिख पाओगे, 100% ये सब क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मिस्टर मिकाबर का जो कैरेक्टर है। तो मिस्टर मिकाबर के कैरेक्टर देखने से पहले थोड़ा सा नोबेल को बैकग्राउंड ले लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डेविड कॉपरफील्ड इज अ पॉपुलर नोवेल ऑफ 20th century बाय चार्ल्स डिकेंस। तो ये क्वेश्चन मैंने ये लाइन क्यों डाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने तो आपको लिए करवा रखा है, लेकिन फिर भी याद रखना 20th century का सबसे पॉपुलर नोवेल था ये डेविड कॉपरफील्ड। तो ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हेल्प मिलेंगे आपके। आगे देखिएगा, कहता है डेविड कॉपरफील्ड हैज़ ए नंबर ऑफ ह्यूमरस कैरेक्टर। अब देखिए ये जो डेविड कॉपरफील्ड नोवेल है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ह्यूमरस कैरेक्टर का कहने का मतलब कि बहुत सारे अनगिनत हास्यपद, मतलब हंसाने वाले जो ह्यूमरस कैरेक्टर है इसमें आपको मिलेंगे, मतलब मनोरंजन देने वाले कैरेक्टर्स इसमें आपको मिलेंगे। आगे का सेंटेंस कहता है, मिकाबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस नोवेल। और इस नोवेल का जो है उपन्यास का मिकाबर जो है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। आगे का सेंटेंस कहता है, ही इज एन ऑनेस्ट एंड एल्डरली पर्सन। अब इनके कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनका चरित्र तो चित्रण करना होगा अच्छे से। तो ये ईमानदार भी थे और एल्डरली पर्सन थे। एल्डरली पर्सन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, एल्डरली पर्सन ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो एजगर हो। अपने बिहार में बोलते हैं ना कि वो एजगर आदमी है, डेट मीन 40-45 एज का जो होता है तो उसे हम एल्डरली पर्सन बोलते हैं। तो ऐसा था मिस्टर मिकाबर। कहता है, ही ऑलवेज कैरीज अ स्टिक इन हिज हैंड, और ये जिधर को जाता था उधर को एक छड़ी लेके चलता था हाथ में। ये भी याद रखना, अपने यहाँ बाबा भी आते हैं तो छड़ी लेके आते हैं। तो ये क्या करता था मिस्टर मिकाबर, जब चलता था तो एक छड़ी डंडा लेकर चलता था अपने हाथों में। आगे का सेंटेंस कहता है, मिकाबर इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक किसको बोलते हैं, आप भी तो ऑप्टिमिस्टिक हो ना। ऑप्टिमिस्टिक उसको बोलते हैं जो आशावादी हो, हर चीज़ से आशा रखता है, पता ना कुछ मिल जाए, मतलब कोई भी घटिया से घटिया चीज़, एवरीथिंग मतलब एवरी सिचुएशन से जब वो आशा रखता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, आशा में विश्वास रखता है। एंड वेट्स फॉर ए मिरेकल फॉर समथिंग हैपेंस। और होता यह है कि मिस्टर मिकाबर बहुत गरीब पर्सन होता है, लेकिन ये हर चीज़ में विश्वास रखता है कि कब मेरी किस्मत बदल जाए और चमत्कार हो जाए। ऐसा लगता था उसको कि कब चमत्कार हो जाए, समथिंग हैपेंस, मिरेकल मतलब चमत्कार, फॉर समथिंग हैपेंस मतलब कब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, ऐसा इनके माइंड में रहता था। तो ये आशावादी बहुत ज़्यादा थे। कहता है, ही इज ए मैन ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, और इनके अंदर मानवता का जो गुण था इनके अंदर था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, ही इज ए मैन ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मतलब मानवता का जो उदारवादी गुण था इनके अंदर था। ही फेसेस सेवरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू हिज स्मॉल इनकम। अब क्या होता है कि ये बहुत सारे फेस मतलब होता है सामना करना, ठीक है। तो कहता है, ही फेसेस सेवरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, किस कारण से, ड्यू टू द स्मॉल इनकम, मतलब ये बहुत गरीब थे बेचारे और इनकी इनकम थी बहुत कम थी, तो प्रॉब्लम का, समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें था इनके साथ, फिर भी क्या करते थे, सबको हेल्प करते थे, समझ जाओ। कहता है, ही इज ऑलवेज हैप्पी, और लेकिन ये कभी रोना नहीं, रोते थे कि मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को
पैसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं करते थे, मतलब हमेशा खुश रहते थे एंड चीरफुल, चीरफुल मतलब हमेशा रोमांटिक होते थे इवन इन बैड सिचुएशन, चाहे इनके साथ ख़राब स्थिति भी आ जाती थी, ख़राब परिस्थिति भी आ जाती थी, हर चीज़ में ये पॉजिटिव लेते थे कि चलो अच्छा हुआ, जो हुआ जो अच्छा हुआ, ठीक है। आगे का सेंटेंस देखना, अब हुआ ये कि एक गरीब आदमी थे तो ये कुछ लोन वगैरह कर्ज उर्ज लिए हुए थे, तो वो सब जो क्रेडिटर्स था, यहाँ पे देखना क्रेडिटर्स मतलब जो जो सूद लगाते हैं, इंटरेस्ट ब्याज लगाते हैं, पैसे को ब्याज पर लगाते हैं ना, कि कुछ पैसे ले लो फिर कुछ महीने के बाद कुछ पैसे दो उस मतलब कुछ और दो मिला कर दो इंटरेस्ट पे, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो कहता है क्रेडिटर जो थे ऑलवेज वेक्स हिम, हमेशा इनको तंग करते रहता था मिस्टर मिकावर को एंड, और पैसा नहीं दिए थे कुछ, पैसे बाकी रह गए थे, ज़्यादा दिन हो गए थे, ही हैज़ टू गो टू जेल फॉर नॉट रिपेइंग देयर मनी, और पैसा जब नहीं रिपे कर पाए थे दोबारा से पैसे उस सुदखोर को नहीं दिए थे, तो इनको जेल भी जाना पड़ा था, ये बात भी याद रखना, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही हेल्प्स डेविड कॉपरफील्ड इन एच एंड एवरी वे, और ये हर एक परिस्थिति में हर एक तरीके से डेविड कॉपरफील्ड को मदद किया करते थे, तो ये भी याद रखना है कैरेक्टर की सबसे बड़ी खासियत है मदद करना, तो ये मदद करते थे डेविड को हमेशा किया करते थे। ही इज अ गुड फादर एंड अ ऑनेस्ट हस्बैंड, अब देखिए ये इनके जो बच्चे थे ना, तो वही कह रहा है कि ये बहुत अच्छे पिता थे और एक ईमानदार पति भी थे, डैट मीन्स इनके परिवार बहुत खुश था इनसे। मिकावर टेल्स द ट्रूथ ऑफ द बिलियनरी, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था ये पॉइंट, ये मिस्टर मिकावर का ये कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे भी समझाना पड़ा, बेचारे इतने अच्छे कैसे थे। देखिए कहता है मिकावर टेल्स द ट्रूथ, मिकावर जो था वो सच्चाई भी बताता था, तो सच्चाई बताए किसको, द बिलियनरी ऑफ यूरोप हीप, जो यूरोप हीप जो था ना उसकी जो गुंडाई था, उसकी जो बदमाशी था, मतलब खलनायकी जो था, खलनायक ढंग का था, बिलियनरी बिलियन आप जानते हो ना फिल्मों में होते हैं, तो वही कहता है बिलियनरी ऑफ यूरोप हीप, जो यूरोप हीप का जो बदमाशीपन था, उसका जो नटखटपन था, उसको ये उजागर करते हैं, उसको एक्सपोज कर देते हैं, मतलब बता देते हैं, जिस वजह से उनको भी जेल जाना पड़ा था यूरोप हीप को, ठीक है, ये भी याद रखना। एंड सेव मिस्टर बिकफील्ड एंड एजनी फ्रॉम हिम, और जो मिस्टर बिकफील्ड था उसका सारा संपत्ति तो ये हड़प के लिया था यूरोप हीप ने, सारा संपत्ति ले लिया था, तो उसको उसकी संपत्ति को बचाते हैं उसकी सच्चाई बता के कि ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। आगे का सेंटेंस देखिएगा, कहता है ही इज ऑलवेज, यहाँ पे देखिएगा ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, कहता है ये हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे डिस्पाइट हीज पुअर कंडीशन, चाहे इनको बहुत ख़राब स्थिति भी आ जाए फिर भी ये दूसरे को मदद करने में विश्वास रखते थे। आगे का सेंटेंस देखिएगा, कहता है समटाइम्स ही लुक्स लाइक ए फुलिश पर्सन, कभी कभी तो ये नोबल में एक मतलब मूर्ख व्यक्ति के जैसे भी पेश आए हैं, मतलब ऐसा भी दिखाया गया कि ये मूर्ख व्यक्ति है, जैसे आप सीआईडी में देखोगे ना एक फ्रेडरिक रहता है वो हंसाने वाला मूर्ख व्यक्ति, लेकिन बहुत समझदार है जरा, ठीक है ना, तो वही कहता है पुलिस पर्सन के रूप में भी इनका रोल है, बट ही हैज ए नॉर्मल कैरेक्टर, लेकिन इनके पास नॉर्मल कैरेक्टर है, जैसा एक आदमी होना चाहिए नॉर्मल पर्सन होना चाहिए उस तरीके से है, ऐसा कुछ भी बात नहीं कि ये मूर्ख है, एंड काइंड हार्ट, और इनके अंदर एक दयालु दिल भी है। I like him most and all those quality he has, मैंने ये लाइन इस कैरेक्टर के अंत में भी लिखा, तो आप लोग भी ज़रूर लिखना कैरेक्टर के अंत में कि मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इस कैरेक्टर को, क्योंकि इनके पास जो क्वालिटी है गजब है अजब है। तो इस तरीके से हम लोग जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे उसको ख़त्म कर लिए। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन चल रहा है, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।